हिम केयर के जो लोगों के पैसे बकाया पड़े हैं उनके पैसे देने का इंतजाम करिए। 6 महीने से लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं लोगों को। आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने माने सदन में 130 पर स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा रखी है, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा है कि जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ हेल्थ के ऊपर बोला है, मैं तो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल पे क्या है, कितनी सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं, उसका मैं संक्षिप्त आपको थोड़ी सी बात उसमें बताना चाहता हूं। पोंटा विधानसभा क्षेत्र का जो सिविल हॉस्पिटल है हमारा 150 बेड का, वो जिला सिरमौर के लगभग 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र पूरा आता है, 25% नाहन विधानसभा क्षेत्र आता है और 15-20% रेणुका विधानसभा क्षेत्र आता है। और हर दिन ओपीडी जो है 800 से 1000 की पोंटा के सिविल हॉस्पिटल में होती है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि बॉर्डर का हॉस्पिटल है, साथ में उत्तराखंड लगता है, काफी लोग उत्तराखंड से भी वहां ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। हरियाणा का बॉर्डर साथ लगता है, उनकी हेल्थ की फैसिलिटीज वहां से 35-40 किलोमीटर दूर है, वहां के भी लोग आते हैं। और ये जो आपने 38 आदर्श हॉस्पिटल बनवाए, शायद पोंटा का नाम भी उसमें होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बहुत सी इंडस्ट्री हमारे इलाके में, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। परंतु मैं आपको उस हॉस्पिटल की हालत बताता हूं, पीएचसी के बारे में नहीं मैं बात करता। एक विधानसभा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल तो ढंग का हो, और ये तो लगभग 2.5 विधानसभा क्षेत्रों को फीड करता हॉस्पिटल। हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट होता है। मैं आपको स्टाफ की बात, मैं आप स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़िए, डॉक्टर्स की बात भी छोड़िए, 44 सेक्शन पोस्टें हैं स्टाफ नर्स की, 14 हैं, 44 में से 30 खाली हैं, और क्लास 4 की 31 में से 21 पद खाली हैं, 31 में से 21 पद खाली हैं, और 10 भरे हुए हैं, 14 स्टाफ नर्सें हैं, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2 पोस्ट है, दोनों खाली हैं। पिछले दिनों नौबत यह होगी, हॉस्पिटल को ताला लगाने की नौबत आ गई कई डिपार्टमेंटों में। आप तो कह रहे हैं कि गंभीर बीमारियों के किडनी ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आम आदमी को साधारण ट्रीटमेंट नहीं मिलती हॉस्पिटल में। अगर कैजुअलिटी बार चलाना हो तो 6 स्टाफ नर्सें चाहिए, शिफ्ट में 2-2 एक एक शिफ्ट में, छुट्टी कटवाने के लिए अलग चाहिए और वीकली ऑफ में अलग चाहिए, 6 स्टाफ नर्सें मिनिमम चाहिए। और चिल्ड्रन वार्ड है उसके लिए भी 2-2 स्टाफ नर्सें चाहिए, 6 उसमें चाहिए, 12 हो गई। ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन वार्ड है, उसमें एक एक चाहिए, मेडिकल वार्ड में एक एक चाहिए, सर्जिकल वार्ड में 21 स्टाफ नर्सें एक दिन में चाहिए। हमारे पास स्टाफ नर्सें 14 हैं और इनकी छुट्टी भी कटवानी है, इन्हों वीकली रेस्ट भी करना है। जब हॉस्पिटल के स्टाफ ही बीमार है वो लोगों की क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हो, ये सब डिविजनल हॉस्पिटल है। मैं कहा सिलाई का पूरा क्षेत्र यहां आता, माइनिंग एरिया, हर दिन एक्सीडेंट होते हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पोंटा में, बॉर्डर का एरिया है। ये सुविधाएं आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं, वहां पर हमारे यहां पर जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मशीन धूल छांक रही है,
मेडिकल हॉस्पिटल नाहन में किसी ने अल्ट्रासाउंड कराना, दो महीने की डेट मिलती है, एक से दो महीने की डेट। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। आयुष्मान जैसी योजना हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लागू हुई। हिम केयर की योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हुई। लाखों लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को ट्रीटमेंट मिली, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत राहत मिली। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हिम केयर के जो लोगों के पैसे बकाया पड़े हैं, उनके पैसे देने का इंतजाम करिए। छह महीने से लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं लोगों को, ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको उनसे जोड़ा गया है, वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, कहते हमारे पुराने पैसे नहीं मिले। इसलिए सरकारी सेक्टर में कितनी ट्रीटमेंट लोगों को मिलती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये तो आम जगह आज प्राइवेट हॉस्पिटल है, आदमी की इनकम बढ़ गई, आदमी मेडिकल की फैसिलिटी चाहता है, उसको अच्छी फैसिलिटी चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति जब सरकारी सेक्टर में सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो प्राइवेट की ओर भागता है।